हमने थोड़ा अपना शादी में ना सब थॉटफुली था, मतलब एक तो पायरी थी ऊपर आने को, हाँ स्टेयरकेस। हाँ पायरी थी, स्टेयरकेस था ऊपर आने को, एंड फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, बिकॉज यू नो इन आर सर्कल्स देर आर अ फ्यू पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, तो उनके लिए ना एक रैम्प भी रखा था, ठीक है, मेरे मेरे शादी की बात कर रहा हूँ, रैम्प भी था, तो या व्हीलचेयर व्हीलचेयर भी कार्ट कर सकता है, ऊपर आदमी ला सकता है व्हीलचेयर। अब इसको उन्होंने गेम बना दिया है बच्चों ने, तो उनका गेम क्या हाँ था कि उनका गेम था कि स्टेज के एक एंड से चालू करने का, रोल रोल करने का, हाँ और ऑब्जेक्टिव क्या कि रैम के नीचे से नीचे आने का, मतलब दे शुड रैम के दे ऊपर से शुड नीचे आने का बेसिकली। हाँ मतलब क्या एग्जैक्टली रैम के ऊपर से नीचे आने का हाँ। ऑब्जेक्टिव वो था, कि मतलब रोलिंग इतना परफेक्ट रहना चाहिए कि तू बरोबर वो रैम के ऊपर ही गिरना चाहिए, वो हाँ तो मतलब जिसकी उसमें जिनके लिए वो रैम रखा था वो लोग नीचे ही है, वो लोग ऊपर आए ही नहीं मतलब। वो लोग ऊपर आ ही नहीं थे ये गुड पॉइंट वो लोग ने देखा है कि ये जो बीएमसी ने काम नहीं किया वो भूषण सावंत की शादी में हुआ है, राइट। स्टेज पे रैम डाल दिया बे, बाकी बाहर कुछ रैम नहीं है सिटी में, स्टेज सिटी में पर रैम बाहर। पर ये लोग ने सोच नहीं के यहाँ पे रैम बनाया, तो बीएमसी को कुछ सीखना चाहिए इधर। वेलकम टू द बंटा वंटा शो। बंटाए हाय बोलो पब्लिक को। एंड नमस्कार महाराज, हाँ नमस्कार। यस बंटाए। और आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शादियों में जो बच्चे आते हैं, शादी में बच्चे मतलब टॉडलर्स और जो 10 साल के नीचे होते हैं ना, उनका रोल क्या है शादी में, क्या क्या, व्हाट डू दे कंट्रीब्यूट टू द वेडिंग, द एंटायर सिनारियो। तो हम लोग इस पर काफी, हमको लगा कि ये सीरियस टॉपिक है, इट शुड बी डिस्कस्ड। मस्त प्लानिंग। ये है ना, मुझे ऑर्नामेंटल और ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव पीसेस लगते हैं इन इन द वेडिंग, मतलब ट्रॉफी। मतलब ट्रॉफी, करेक्ट। तो इधर क्या हो रहा है, इधर ये बच्चे आ रहे हैं एंड इनका कोई रोल नहीं है, इनको इनको खुद को पता नहीं है क्यों आए हैं और किसकी शादी में आए हैं, दैट इज करेक्ट द बेस्ट पार्ट, राइट। करेक्ट स्पेशली स्पेशली हम टॉक सी, जो 5 साल से नीचे है उसको तो वैसे ही नहीं पता रहेगा बच्चे को, हाँ। जो 5 से 5 से 10 साल के बीच में है ना, उसको भी नहीं आइडिया रहता है वो क्यों आया है। वो ऐसा नहीं हो सकता। टिपिकल इंडियन सोसाइटी एंड फैमिलीज, एक कोई काकू उठेगी, हाँ अरे अथर्व डांस करो दाखो, म्हणजे शादी हाँ के बीच इसका अलग परफॉर्मेंस चालू है, समझ रहा है करेक्ट तू करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो क्योंकि वो जब वो लोग घर पे मेहमान आए थे उनके, तब उसने परफॉर्म नहीं किया था, तो अथर्वा का बच हाँ गया वो परफॉर्मेंस। तो अभी पब्लिक परफॉर्मेंस है, वो कॉन्सर्ट करेगा अथर्वा में जो किसी और के शादी में। कॉन्सर्ट करेगा, करेक्ट। अरे तुझे आ रही ये बहुत फनी लगता है मुझे यार, यू नो इट बिकम्स वेरी ऑकवर्ड फॉर द किड, राइट। मैंने बच्चों को भी हाँ देखा, वो सहम जाते हैं, कुछ बच्चे तो आतरट रहते हैं, उनको नहीं बोला तो भी डांस करते हैं वो करेक्ट मतलब करेक्ट वो आगे से बोल रहे हैं कि मैं डांस कर रहा हूँ, देखो मुझे, ये हुआ है करेक्ट। यार। मैंने आई सॉ दिस, वो हाइपर एक्टिव बच्चा नहीं रहता है, वो हाँ जहाँ सबको ऐसा यू नो पैंट खींच के ऐसा हाँ जमा किया उस बच्चे ने पब्लिक को, हाँ हाँ और पब्लिक को जमा करने का डांस चालू। बच्चों को नाचना है, वो बच्चों को अंकल आंटियों के साथ खेलना है, वो बच्चों को लपाचुपी खेलना है शादी में, और वो छुप रहा किधर है, आंटी के साड़ी के पीछे। क्या बोला तूने? हाँ और हाँ आंटी क्या उधर डिस्कशन चल रहा है आंटी का ग्रुप में कि मतलब अभी किसका शादी नेक्स्ट होने वाला है, कि मेरी एक कोई और एक उधर है, एक लड़की है वो बेलगांव में रहती हाँ है, उसकी शादी वो लोग वहां पे फिक्स करा रहे हैं, और ये बीच में उनके छुपा है। इनका होता क्या है ना, इनको बस एक औरत उठाएगी, एक आंटी उठाएगी, एक काकू उठाएगी, वो काकू पास करेगी एक काका को, वो काका उसका गाल खींचेगा, वो गाल खींच के किसी काकू के पास वापस देगा, वो काकू इसका ना वो पेट में ऐसे गुदगुली करेगी, तो बच्चा थोड़ा स्माइल करेगा, हाँ उसको स्माइल भी नहीं करना है पर उसको स्माइल कराया जाता है जबरदस्ती, और फिर उस पर करेक्ट डिसाइड करते कि ये किस पे गया है, वो स्माइल पे कि वो माँ पे गया है कि बाप पे गया है, करेक्ट। हाँ, उस पे डिस्कशन हो रहा है, उस पर डिस्कशन हो रहा है, उसका रोल डीएनए डीएनए एनालिसिस हो रहा है उधर का डीएनए उधर एनालिसिस अभी उधर हो रहा है, सिंपली करेक्ट करेक्ट। विजुअली पब्लिक को डीएनए एनालिसिस वगैरह टेक्स से कोई लेना देना तो है ही नहीं, राइट, टाइम ही नहीं है बॉस, जितना विजुअल और जितना उनके पास नॉलेज है, क्योंकि वो लोग बहुत शादी अटेंड कर चुके हैं, तो करेक्ट पूरा शादी का जो उनका जो एक्सपीरियंस है सालों साल का ना, वो लोग बच्चे पे डाल रहे हैं। ऐसा मत करो मेरी बट हाँ टिपिकली बिटवीन द एज ऑफ 4 to 10 ये लोग का अलग गेम चालू था मेरे शादी में। हाँ तो हाँ ये लोग का गेम क्या था,
अपना हमने थोड़ा अपना शादी में है ना सब थॉटफुली था, मतलब एक तो पायरी थी ऊपर आने को, हाँ स्टेयरकेस, हाँ पायरी थी स्टेयरकेस था ऊपर आने को, एंड फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, बिकॉज़ यू नो इन आवर सर्कल्स देयर आर अ फ्यू पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, तो उनके लिए ना एक रैम्प भी रखा था, ठीक है मेरे मेरे शादी की बात कर रहा हूँ, रैम्प भी था, तो यार व्हीलचेयर व्हीलचेयर भी काट कर सकता है, ऊपर आदमी ला सकता है व्हीलचेयर। अब इसको उन्होंने गेम बना दिया है बच्चों ने, तो उनका गेम क्या था कि उनका गेम था कि स्टेज के एक एंड से चालू करने का, रोल करने का, और ऑब्जेक्टिव क्या कि रैम के नीचे से नीचे आने का, मतलब रैम के ऊपर से नीचे आने का बेसिकली, मतलब कि एग्जैक्टली रैम के ऊपर से नीचे आने का ऑब्जेक्टिव वो था कि मतलब रोलिंग इतना परफेक्ट रहना चाहिए कि तू बरोबर वो रैम के ऊपर ही गिरना चाहिए। हाँ तो मतलब जिसके जिनके लिए वो रैम रखा था वो लोग नीचे ही है, वो लोग ऊपर आए ही नहीं, मतलब वो लोग ऊपर आए नहीं थे। वो लोग ने देखा है कि ये जो बीएमसी ने काम नहीं किया वो भूषण सावंत की शादी में हुआ है। स्टेज पे रैम डाल दिया बे, बाकी बाहर कुछ रैम नहीं है सिटी में, पर ये लोग ने सोच के यहाँ पे रैम बना। आजकल ये जो नया कल्चर है ना डेस्टिनेशन वेडिंग का, उसमें टॉटल लोग का बहुत जलसा चालू है, क्यों मालूम है क्या? क्योंकि टिपिकली दिस डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैपन यू नो इन फ्लैशी रिसॉर्ट्स, करेक्ट करेक्ट, राजस्थान में तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है ना, करेक्ट, और टिपिकली बच्चे लोगों का मैंने देखा है। अच्छा इसमें इसमें गेम पलट गया है, अभी अभी टॉडलर का पूरा डेस्टिनेशन वेडिंग में टॉडलर का जो रोल है वो कंप्लीटली चेंज हो गया, अभी वो शादी में है ही नहीं क्योंकि शादी कहीं एक होटल के कोने में हो रही correct, है, करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ, और होटल में बाकी ऊपर की सारी चीजें है, मतलब स्विमिंग पूल है वहाँ, प्ले एरिया है, शादी को छोड़ के सब टॉडलर उधर मिल रहे थे, और अभी अच्छा, क्या हो रहा है, वो लोग का आफ्टर पार्टी पहले चल रहा है, सब चंगा सी, उनका आफ्टर पार्टी पहले चल रहा है, और एंड आई हैव एक्चुअली सीन, एंड आई हैव एक्चुअली सीन, बिकॉज़ आई वेंट टू अ वेडिंग लाइक दिस, सब टॉडलर उधर है रे बाहर, वो कोई बच्चे तो लिटरली शादी के टाइम पे, मतलब शादी हो रहा है, हो रहा है, हाँ 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 हाँ, पेरेंट्स शायद से होंगे, कोई ना कोई एक पेरेंट तो डेफिनेटली होगा शादी में अटेंडेंस लगाने के लिए, ये यहाँ स्विमिंग कर रहा है रिजॉर्ट में। अरे हाँ भाई हाँ, शादी में गया, अब तू किसी रिलेटिव को कभी मिला रहेगा 10 साल पहले, हाँ, 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 लेकिन उसको तेरा नाम बराबर याद है, ठीक है, हाँ, उसको बराबर याद है, अरे भूषण, उसको तेरा नाम, तेरे बच्चे का नाम सब याद है, हाँ, सो उसको पूरा कुंडली है मेरा, उस, करेक, उसके पास, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब गेम क्या होता है ना, ऐसा ये लोग आता है आगे से, ठीक है, एंड दिस इज स्पेसिफिक नॉट जस्ट टू टॉडलर्स, व्हिच आई एम सेइंग, स्पेसिफिक टू एडल्ट्स आल्सो, दोनों का रिएक्शन मैंने सेम देखा। हाँ। फिर ये काका बोलेगा ओड़क लगा, हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ। और मैंने इसका हैक किया पहले ना, मैंने पहले मैं ऐसा ब्लंटली बोल देता था ना ही हो ना हो, तो फिर वो बुरा लगता है, करेक्ट, सही पकड़े हैं, हाँ, कसा कसा एवढ्या वेळा तुझ्या घरी आलो आहे जेव्हा तू लहान होता, तर वो असा सब स्मॉल टॉक चालू हो जाए, हाँ, तो मैंने क्या हैक किया मालूम है इसका, क्रैक, हाँ, ऐसा फेक इमोशन देने का, मतलब नाम नहीं लेने का उनका, हाँ, उतना उसको भी एक्साइटमेंट होगा कि हाँ पहचाना मेरे को भूषण साहब ने, हाँ, लेकिन तू जितना वसीफेरसली बच्चा या तू हाँ 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 कर रहे, उसका मतलब है कि उतना ही तेरे को उसका नाम 100% नहीं मालूम, करेक्ट, और उसी पे काका खुश है, देखो काका काकी सब खुश है ना, उनको लग रहा है भूषण को जानता है, फिर भूषण बताएगा अपने बीवी को, अरे वो भी हाँ 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 चल रहा है, हाँ। पर उसमें क्या है ना, मेरे को एक एडिशन डालना है उसमें, तो इमेजिन कर वो काका काकी को तो जानता नहीं है, उसके साथ है उनका बच्चा, जो तू तो मतलब तेरे माँ बाप को मालूम रहेगा उसका नाम, तेरे को पता ही नहीं है, अरे हुआ ही होता है वो, क्योंकि वो जो बच्चा है वो होगा कुछ 7-8 साल का, 10 साल का जो भी है, काका काकी का तो नाम पता ही नहीं है, बच्चे का तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठ रहा है, ठीक है, पर तेरे को एड्रेस करना है बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा तेरे सामने है, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, और वो बच्चा को कंधे में लेके आ रहे हो उसको, तो आई लेवल पे आ रहा है बच्चा तेरे, तो करेक्ट करेक्ट, अपना हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बच्चे को ऐसा हाउ आर यू ऐसा ऐसा वाला सब चल रहा है, वे सब कितने साल का हो गया, अभी क्या कर रहे हैं, हाँ वो वाला, अरे
बट इट्स एन ऑकवर्ड सिचुएशन कि अरे नाम क्या है, ऐसे कैसे पूछे. हाँ इसका हैक क्या तूने निकाला है, तूने कुछ ट्रिक ट्राई किया है टू नहीं इसका है, इसका क्योंकि देखो मुझे नाम का पड़ा ही नहीं है. देखो वो मेरे जिंदगी में अचानक आया बच्चा, तो हाँ. ऐसा नहीं कि मेरे को याद रख के मेरे को कुछ जिंदगी में मैं कुछ तोड़ फोड़ने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब वो मोमेंटरी है, तो उसमें मेरे को क्या, मेरा सिर्फ ये है कि इसको एक स्माइल करूँ, उसका स्माइल आया तो ठीक है. उसको फिर उसके पेरेंट्स को पूछूं कि ये कितने साल का हो गया वगैरह ये सब. फिर उसको मैं एक सवाल पूछता है, वो हर एग्जाम लोग पूछ रहे हैं, अरे स्कूल कौन से स्कूल में जाता है तू, हाँ कौन से स्कूल में जाता है, और दूसरा एक है कि तेरे दोस्तों का नाम क्या है. हाँ ये दो सवाल, इट्स लाइक हाउ डू आई से, इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क. अरे हाँ भाई हाँ, सवाल पूछ के ना मैंडेटरी सवाल है, ताकि वो फिर क्या वो आंसर वो बच्चा नहीं देगा, उसका आंसर माँ और बाप देगा. वो लोग क्या करेगा उसको, अरे बोलना काका ना सांग वो वाला सीन चल रहा है उधर, उस ड्रामे में तू कट लेने का फिर. बाय बाय, हाँ बैठो 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 वहां करके करके खत्म बात. तो मेरा स्ट्रेटेजी है कि मेक देम इन्वॉल्व इन द कॉन्वर्सेशन ना, इतना कि वो लोग भूल जाए कि मेरे को, पहली बात तो मेरे को उनका बेटे का नाम याद नहीं, बेटा बेटी जो भी है, पर मैंने कॉन्वर्स किया है उनके साथ, वो मेरे को जान रहे, फिर मैं मेरी माँ जो भी है, मेरे माँ बाप देख लेंगे, वो लोग सेटल कर देंगे. फिर मेरी माँ मेरे को बाद में पूछेगी, अरे तू इतना बेटला आस, हाँ तू मिला, अरे वो कितना बड़ा हो गया बच्चा, मिला हाँ हाँ. तो मेरी माँ को मैं पूछ सकता ना साइड में, मेरी माँ, क्योंकि अपने माँ बाप को ऑल द मोर अपनी माँ को सब बच्चों का नाम याद रहते हैं. हाँ, तू शादी में, तेरी शादी हो किसी और की शादी, मेरी माँ को सब बच्चों का नाम याद है, वो दूर दूर के रिश्तेदार हैं सबका नाम है. वो ह्यूमन येलो पेजेस है, हम माँ लोग जो है वो ह्यूमन येलो पेजेस. एक्जेक्टली, सबका नाम है, सबका नाम है, सबके स्कूल का नाम पता है, कौन से स्कूल में जा रहा है, बेस्ट पार्ट क्या है ये भी पता है कि कौन से सब्जेक्ट में वीक है. बहुत कुछ समझना है जिंदगी में. अरे यार तो ये सब बेसिकली हो रहा है शादी में, ठीक है. तो हम बेसिकली बात ही कर रहे थे ये कि टॉडलर का रोल, के हमको लग रहा है इररिलेवेंट है. हाँ, और बाकी आप एंजॉय करो लाइफ. हाँ, और शादी अटेंड करो, एवरी संडे शादी होती है इंडिया में. तो बाय द वे, हमारा एक और एक एपिसोड आ रहा है शादी के ऊपर, वो क्या सब्जेक्ट होगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा. बट बाकी सब कुशल मंगल, बंटाए टाटा बाय बाय बोल दो पब्लिक को. और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा देना, ठीक है. और भी नंबर बताना शादियों में, इसमें तो भाई साहब आपका तो चाहिए कमेंट सेक्शन में. आप और टॉडलर्स और ये जो बच्चे, आपका क्या अनुभव है, आपने कैसे उनको काटा या कटवाया या जो भी है, जैसे खेला, जैसे उनको अगर आपने डेस्टिनेशन वेडिंग भेजा है तो क्या हो क्या रहा है आपकी जिंदगी में, आपके एक्सपीरियंसेस बताओ. बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड. टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय.